नमस्कार, मोर यूट्यूब चैनल टेक्निकल जागृति को आपन को स्वागत करुच्छे। आज वीडियो आम आलोचना करवा एल आई सी तरफ बहुत गुड़ा पोस्ट वैकेंसी आमे डिटेल्स आलोचना करवा कौन पोस्ट कौन क्वालिफिकेशन केमती भाव अप्लाई करेंगे तरह टोटल डिटेल्स ए टू जेड वीडियो माध्यम आपको जनदेवी। जदि आप चैनल सब्सक्राइब करना तेज चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु और तले दिखा बेल आइकन को दबाई दिंतु। तेज चलो डेरी नक स्टार्ट करवा कौन कौन पोस्ट ऑफिस रिक्रुटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 250 रोज पोस्ट रोज चलो डिटेल्स देखने ऑर्गेनाइजेशन नेम देखा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एल आई सी हू कैन अप्लाई जो देखिए ऑल ओवर इंडिया समस्त कैंडिडेट मैंने फॉर्म टू अप्लाई करेंगे। देखिए जेंडर देखिए बोथ मेल एंड फीमेल उभय कैटेगरी पिला फॉर्म टू पकईपरेंगे। पोस्ट जो देखिए वेरियस प्रकार विभिन्न प्रकार पोस्ट अच्छे कहती टोटल पोस्ट अच्छे 250 पोस्ट रही वैकेंसी। एवं चलो देखिए वैकेंसी डिटेल्स देखो बर्तमान सब स्टेट व्वज वैकेंसी डिटेल्स आसी जाए देखने देखो आंध्र प्रदेश पर रही 19 टी आसाम पर रही 9 टी बिहार पर रही 6 टी छत्तीसगढ़ पर रही 5 टी गुजरात रही 5टा हरियाणा पर रही 3 टी हिमाचल प्रदेश पर 3 टी जम्मू एंड काश्मीर पर गोटे झारखंड पर गोटे कर्णाटक पर 33 टी केरला पर 6 टी मध्यप्रदेश पर 15टा तर महाराष्ट्र पर 38टा ओडिशा पर 6टा पेडुचेरी पर गोटे राजस्थान पर 4टा सिक्किम पर गोटे तमिलनाडु पर 26टा तेलंगाना पर 30टा त्रिपुरा पर गोटे उत्तर प्रदेश पर 20टा उत्तराखंड पर 2टा वेस्ट बंगाल पर 15टा। तो एमती प्रत्येक स्टेट व्वज भिन्न भिन्न पोस्ट रही वैकेंसी अच्छी। एवं चलो देखिए इंपोर्टेंट डेट विषय आप्लिकेशन स्टार्ट डेट 22 डिसेंबर 2023 ऑलरेडी स्टार्ट हो सारा। आप्लिकेशन लास्ट डेट हो 31 डिसेंबर 2023। आप्लिकेशन मोड आपन ऑनलाइन माध्यम ही फॉर्म टू पकी परिबे। तबे चलंतु डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखिए 6 जनवरी 2024 रे डेट हो एग्जामिनेशन डेट रे तमे ऑलरेडी डिक्लेअर मध्ये कर दिसेंती। डेट एज लिमिट जते हम देखिबा कैलेंडर से मिनिमम एज 20 वर्ष तो दरकार आ मैक्सिमम एज 25 वर्ष तो दल नेत फॉर्म टू अप्लाई कर परे। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल गवर्नमेंट रूल हिसाब रे अपन एज रिलैक्सेशन दिया जइबो। सैलरी आप 9000 रु 15000 टाँग रोज पर मंथली। एवं चलतु एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने देखो कैंडिडेट इज अ मस्ट हाव कम्प्लीटेड ए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तेनाली मिनिमम आप बैचलर डिग्री मैंने बी ए आप करते हैं फॉर्म टू अप्लाई करेंगे। तो चलो देखिए आप्लिकेशन फीस के पड़ो प्रथम जेनेल पे रोचे 944 टाँचा एससी एसटी फीमेल पे रोचे 760 टाँचा पीडब्ल्यू पे रोचे 472 टाँचा तेनाली देखते पेमेंट पेमेंट देखो मोड ऑफ पेमेंट बी एफ एस सेक्टर स्किल काउनसिल ऑफ इंडिया तरफ आपड़ हम देखो। एवं चलत आपन को ऑफिशियल वेबसाइट जो नोटिफिकेशन कर देखे दूसरी आपड़ मत तला डिस्क्रिप्शन में जातु आपठी ऑफिशियल वेबसाइट लिंक पाइज अप्लाई ऑनलाइन लिंक पाइज डायरेक्ट जाप्लाई ऑनलाइन जा लिंक टू जाकि ओपन करेंगे। एवं चलते मुझे आपको देखे दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको प्रोवाइड करते देखो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन टा छाड़ी जोटा कि आपको मुझे ऑफिशियल वेबसाइट देदेल आप जापरेंगे तर डिटेल्स देसी जो गुड़ाक कहली सब डिटेल्स गुड़ा सब यही अच्छी देखो। तेनाली बर्तमान ऑफिशियल वेबसाइट प्रथम देखते रजिस्ट्रेशन करेंगे देखते सिलेक्शन प्रोसीजर लिखाई आप प्रथम एनएटीएस देखो आप प्रथम यही पोर्टाल रजिस्ट्रेशन करेंगे डाउनलोड कर जानपरेंगे। रजिस्ट्रेशन गला पर आपनो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलियो तापर आपनो जाई कि ऑनलाइन जाई कि डायरेक्ट फिलअप कर परे एठी आपनो ऑनलाइन फिलअप पे आसी आपनो ऑनलाइन फिलअप पे देखो आपनो प्रथम एठी आपनो नाटा लिखि देबे तापर देखो आपनो ईमेल आईडी तापर आपनो कर एन जो एनटीएस रो एन आईडी गोट मिले जो आपनो रजिस्ट्रेशन कर दो आईटी मिले जा आईटा से आईडी ता आपनो दे परबे तर आपनो माय फुल नेम एड आपनो फुल नाम लिखबे डेट ऑफ बर्थ लिखि देबे जेंडर मेल फीमेल जा लिखि परे आपनो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर टा आधार नंबर पैन नंबर आई एम फ्रॉम द कैटेगरी को कैटेगरी से लिखिपर एग्जामिनेशन फीसटा आप लिखे आप कैटेगरी पर फीस देखते लिखे आपण स्क्राइब ना लिखे स्क्राइब आधार नंबर स्क्राइब डेट ऑफ बर्थ देखिए जो आप्लिकेबल पी डब्ल्यू जो जो मैंने मैंने हैंडीकैप्ड अच्छे से दरकार जो ना दरकार नहीं आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ करते आप सिलेक्ट करेंगे आपणकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज नाम लिखिपारे आप इयर ऑफ ग्रेजुएशन से लिखे आपण यूनिवर्सिटी नेम टा लिखिदेवे आप
ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସଲି ଆପଣ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଲେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ମାଇ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣ ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସେବାର ନ ଲେଖେ ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖିବେ, ଆଇ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ବାଇ ମି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣ ୟେସ୍ ନୋ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଡ଼ା ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ବାଇ ମି ହିୟର୍ ବାବୁ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୁଭ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଭିଡ଼େନ୍ସିଂ ଦ ସେମ୍ ଇଜ୍ ଆସ୍ଡ ଫର୍ ଆପଣ ୟେସ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଇ ଗଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଲ୍ ଆଇ ସି ଏସ୍ ଏଫ୍ ଏଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ ଲେଖା ଟାଇମ୍ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଦର ସୋର୍ସ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବେ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଅଲରେଡ଼ି 26 ତାରିଖ କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ 3-4 ଦିନ ଅଛି ପାଖରେ ସମୟ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ ପାରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇବାର 100% ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବାହାରିଥିଲା ତେଣୁ ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମୋର ୱିଶ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜବ୍ଟିକୁ ପାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।